फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आज मैं आपके ऑयली और पिंपल्स वाली स्किन के लिए बड़े से फेस वॉश की रिव्यू बताने वाली हूँ। और ये 5 फेस वॉश है मार्केट, ये आप देख सकते हो, ये 5 है। मैं आपको एक एक करके सारे इनके बारे में बता देती हूँ। सबसे पहले नंबर पर, फर्स्ट नंबर पर आता है हिमालय का नीम फेस वॉश, प्योरीफाइंग नीम फेस वॉश प्रिवेंटिंग पिम्पल्स प्योरीफाइंग स्किन इन ऑल टाइप स्किन टाइप्स है। ये 30 ml का प्रोडक्ट है, क्वांटिटी है इसका। इसमें नीम और टर्मरिक है। इसमें आपको छोटा पैकेजिंग मिल जाएगा, कुछ 50-60 रुपीज़ का, एक 100 रुपीज़ का भी शायद आता है। एक 50 ग्राम आता है, एक 100 ग्राम आता है। इसकी प्राइस है 270 रुपीज़ और इसकी शेल्फ लाइफ है 3 ईयर्स इसकी शेल्फ लाइफ है। और ये काफ़ी बढ़िया वाला फेस वॉश है, आप इसे ट्राई कर सकते हो। अगर आप में जो पिंपल्स वगैरह आते हैं तो मैं इसे ट्राई ज़रूर करती हूँ। मेरे पिंपल्स वगैरह सब सही हो जाते हैं, थोड़े बहुत पिंपल्स होते हैं तो ये काफ़ी बढ़िया वाला नीम फेस वॉश है। सेकंड नंबर पे है ये VLCC का फेस वॉश है, नीम फेस वॉश विथ चैमोमाइल एंड टी ट्री प्रिवेंटिंग पिंपल्स एंड नरिशिंग स्किन। ये आप देख सकते हो, VLCC का नीम फेस वॉश है। इसकी प्राइस है 190 रुपीज़ और इसकी क्वांटिटी है 150 रुपीज़। ये वेगन प्रोडक्ट है। इसके इंग्रेडिएंट्स आप पढ़ना चाहो तो यहाँ पे लिखे हुए हैं, आप इसके इंग्रेडिएंट्स पढ़ सकते हो। और इसकी शेल्फ लाइफ है 3 ईयर्स, इसकी शेल्फ लाइफ है। और नॉन टेस्टेड ऑन एनिमल है। ये भी काफ़ी बढ़िया वाला फेस वॉश है VLCC का, आप इसे ट्राई कर सकते हो। थर्ड है ये तुलसी टर्मरिक फेस वॉश आयुर्वेद का, आप ये देख सकते हो पैराबिन फ्री है। इसके अंदर तुलसी है, टर्मरिक है। ये आप देख सकते हो इसकी प्राइस है 150 रुपीज़ और इसकी शेल्फ लाइफ है 3 ईयर्स और 150 ग्राम इसकी प्रोडक्ट क्वांटिटी है। और ये आप इसके इंग्रेडिएंट्स पढ़ सकते हो, इसके ऊपर लिखे हुए हैं। ये भी अच्छा, आपके पिंपल्स वाली स्किन है तो उस पर अच्छा वर्क करेगा, ऑयली स्किन के लिए अच्छा है ये। थर्ड है ये, फोर्थ है मेडिमिक्स का फेस वॉश, 6 एसेंशियल हर्ब्स सूटेबल फॉर ऑल स्किन। ये 50 ml प्रोडक्ट है और इसकी प्राइस है 60 रुपीज़ और शेल्फ लाइफ है 2 ईयर्स इसकी शेल्फ लाइफ है। और आप इसके इंग्रेडिएंट्स देखना चाहो तो ये इंग्रेडिएंट्स है इसके, आप देख सकते हो इंग्रेडिएंट्स। और ये भी काफ़ी बढ़िया वाला फेस वॉश है और काफ़ी अच्छी सी फ्रेग्रेंस आती है इसके अंदर, मुझे काफ़ी पसंद आया ये फेस वॉश। और फ्री फ्रॉम सल्फेट है, पैराबिन है, सोपलेस है। ये बढ़िया वाला फेस वॉश है और अफोर्डेबल भी है। फिफ्थ है ये श्री श्री का एंटी एक्ने फेस वॉश है, ये फॉर रेडिएंट एंड स्पॉटलेस स्किन। ये भी वेगन प्रोडक्ट है विथ टी ट्री ऑयल एंड जिंजर एक्सट्रैक्ट, 60 ml प्रोडक्ट क्वांटिटी है ये। और इसकी प्राइस है 60 रुपीज़ और शेल्फ लाइफ है 2 ईयर्स इसकी शेल्फ लाइफ है। और आप इसके इंग्रेडिएंट्स वगैरह पढ़ना चाहते हो तो ये रहे के इंग्रेडिएंट्स, आप पॉज करके पढ़ सकते हैं। नॉट टेस्टेड ऑन एनिमल है, वेगन प्रोडक्ट है। ये भी काफ़ी बढ़िया और इसकी भी फ्रेगरेंस बहुत बढ़िया आती है, इसकी फ्रेगरेंस टी ट्री ऑयल की। और वैसे इसमें जिंजर भी है तो आपकी स्किन को क्लियर कर देगा, ये पिंपल्स ऑयली स्किन होती तो उनके लिए काफ़ी बढ़िया वाला फेस वॉश है। तो आप फ्रेंड्स जो भी चाहें वो वाला फेस वॉश इसमें से यूज़ कर सकते हैं, पिंपल्स और ऑयली स्किन के लिए काफ़ी बढ़िया वाले फेस वॉश हैं ये। सब में नीम है, तुलसी है, जिंजर है, टी ट्री ऑयल है, बाकी काफ़ी बढ़िया वाले जो सब ऑयली स्किन के लिए बढ़िया रहते हैं ये वाले फेस वॉश। और ये अफोर्डेबल भी है, इंडियन मार्केट में इजीली अवेलेबल भी है, आप कहीं से भी इसे परचेस कर सकते हो, हर जगह आपको ये मिल जाएंगे। आप ऑनलाइन भी इसे परचेस कर सकते हो और ऑफलाइन जैसे मार्केट वगैरह में चाहो तो वहाँ से भी आपको ये ईजिली मिल जाएंगे, मॉल्स वगैरह में, शॉप्स वगैरह में, कहीं पे भी ये ईजिली अवेलेबल है। ये सारे फेस वॉश अफोर्डेबल भी हैं और बढ़िया भी हैं, ये सब ऑयली स्किन
ऐसे तो ये सब स्किन को शूट कर जाएंगे, पर ऑयली स्किन के लिए काफ़ी बढ़िया वाले फेस वॉश हैं। जिनको पिंपल्स की प्रॉब्लम है और स्किन क्लियर करना चाहते हैं तो ये फेस वॉश ट्राई कर सकते हैं। इनमें से कोई भी आपको जो सूट होता है आप उसे ट्राई कर सकते हैं। पहले छोटा वाला पैकेजिंग ले लीजिए और फिर बाद में आप बड़ा परचेज कर सकते हो। बाकी ये सारे अफोर्डेबल हैं, सारे 100 और 150 के आसपास आपको ये मिल जाएंगे। हिमालय का तो ये बड़ा वाला पैकेजिंग है, इसमें छोटा वाला मिल जाएगा आपको, वो भी 50-60 रुपीज़ का होगा। काफ़ी बढ़िया वाले फेस वॉश हैं, चाहो आप उनमें से कोई भी ट्राई कर सकते हो। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।